अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूँ गना हैदर फ्रॉम बॉस मॉम टेस्ट प्लस वन, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर, और डू शेयर योर न्यू ईयर रेजोल्यूशंस और व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू इन दिस ईयर इन द कमेंट्स बिलो। तो मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि जितना मैंने प्रीवियस ईयर्स में लर्न किया है या 2020 में लर्न किया है, उससे ज़्यादा लर्निंग इस 2021 में होनी चाहिए। सो इमाम अली का कॉल भी है कि अगर किसी एक शख्स के दो दिन एक जैसे हों, लाइक द वन हु हैज स्पेंड टू डेज इक्वल इज़ अ लूज़र। तो जनाब, डेली कुछ ना कुछ लर्निंग, कुछ ना कुछ सीखना ज़रूरी है, और हर दिन पिछले वाले दिन से बेहतर होना चाहिए, ना कि उससे भी गया गुजरा होना चाहिए। सो दिस इज़ माई न्यू रेजोल्यूशन दिस टाइम। तो लेट्स जंप टू द टॉपिक। आप लोग अपना न्यू रेजोल्यूशन मुझसे ज़रूर शेयर करें कमेंट्स में, और सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो जनाब, आज की जो वीडियो है, दिस इज़ अबाउट अ DIY विच आई डिड। तो मैंने सोचा कि मैं उसको शेयर करूं, और इसकी जो वीडियोस थी वो काफ़ी टाइम से मेरे फ़ोन में थी, सो मैंने कहा व्हाई नॉट टुडे। तो इस वीडियो में आप दो तीन ट्रांसफॉर्मेशन और दो तीन DIY देखने वाले हैं। सो सबसे पहले तो ये शीशा, जिसको मैंने ट्रांसफॉर्म किया है, बाय किया है, और उसको मैंने चेंज किया है, और उसके बाद फिर कुछ ये इस तरह का। और दूसरा ये फ्रेम, जिसको मैंने बनाया है, लाइक कुछ DIY किया है। सो यू नीड टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो ये जनाब शीशा था, जो कुछ ऑफ वाइट कलर का था, और मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस से लिया था। तो इसके लिए मुझे चाहिए ये मेटालिक फिनिश्ड गोल्डन कलर पेंट, और जो कि मैंने वॉलमार्ट से लिया। साथ में मैंने मास्किंग टेप ली। सो दिस इसकी, ये इसकी हालत हो रही है, कुछ अंदर से कुछ ब्लैक ब्लैक सा हो रहा है, क्योंकि ये ऑफ कोर्स यूज था। ऐसा यू कैन सी, बिल्कुल यू नो, इस वीडियो में ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है। सबसे पहले मैंने इसको मास्किंग टेप से टेप कर दिया है, ताकि एजेस जो हैं उससे हम इसको शीशे को बचा लें, शीशे के ऊपर पेंट ना आए। और उसके बाद मैंने ये कुछ न्यूज़पेपर्स और ये एडवर्टाइजमेंट जहाँ यहाँ पे मिलती है, तो ये मैंने उसके ऊपर रख दिए, और इसको मैंने पूरा कवर कर दिया है, टेप अच्छे से लगा दिए ताकि ये फिक्स रहे, और इसके बॉर्डर्स भी उस पर भी अच्छे से टेप लगाई है, ताकि पेंट जो है वो शीशे पर बिल्कुल भी नहीं जाए। तो ये जनाब मैंने ले लिया है। नाउ शेक वेल बिफोर यूज़। और इसके बॉर्डर्स को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई डस्ट पार्टिकल ना रहे और पेंट ख़राब ना हो उसकी वजह से। और जनाब, इसके बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। सो द कोट इज़ डन। अब मैं इसको बस देखूँगी कि कुछ फिनिशिंग की ज़रूरत है ड्राई होने के बाद, और फिर अगर जहाँ से ज़रूरत है तो वहाँ दोबारा कर देंगे, एंड दैट्स इट। अच्छा जी, जब तक ये सूख रहा है, आई हैव अनदर DIY प्रोजेक्ट पेंडिंग। तो वो ये पेंटिंग है। इस पेंटिंग के हालात कुछ ख़राब हैं, सो इट नीड अ कोट लाइक दिस एंड विल बी ऑल फ्रेश। तो ये पेंटिंग मुझे मिली थी बाहर से, कोई रख के चला गया था, एंड आई जस्ट पिक्ड इट अप विद द हेल्प ऑफ माई हस्बैंड। तो अब इसको हम करेंगे न्यू, ऑल सेट करेंगे इसको। इसका अंदर का भी कुछ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आई डोंट रियली लाइक इट मच, और इट्स काइंड ऑफ ओल्ड। उसके कलर्स सारे शायद उड़े हैं, लेकिन मेरे ख्याल वीडियो में इतना नज़र नहीं आ रहा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसकी मास्किंग टेप से इसके कॉर्नर्स को करेंगे, जिस तरह हमने इसको किया था, फुल पैक। इस तरह इसको फुल पैक करेंगे, क्योंकि स्प्रे पेंट का जो की जो फ्यूम्स हैं, दे आर इनफ टू यू नो मैस विद द ग्लास। तो फिर हमें इसको भी वैसे ही कवर करना है। ये जनाब है सबसे सेटिस्फाइंग मोमेंट, और इट्स जस्ट अ वाओ, कितना फ्लॉलेस पेंट किया है आपकी बहन ने, माशाल्लाह। ये छोटे फ्रेम भी काफ़ी पुराने थे, तो मैंने इनको भी दोबारा से फ्रेश पेंट कर दिए, ताकि ये भी फ्रेश हो जाए सबके साथ मिलके।
तो जनाब ये चारों कुल और आयतुल कुर्सी ये सब मैंने प्रिंट आउट्स करवाए हैं, पहले एडिट किया है देन प्रिंट आउट्स करवाए हैं, और अब इनको मैं उस फ्रेम में लगाने वाली हूँ। तो उस फ्रेम को खोला है, और ये क्योंकि काफ़ी ओल्ड था तो ये इसकी हालत थोड़ी ऐसी हो रही है, तो इसके ऊपर हम सबसे पहले तो बैकग्राउंड के लिए ये वाइट शीट डालेंगे और इसके ऊपर प्रिंट आउट्स लगाएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। नाउ दिस इज़ ऑन द वॉल एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल दिस लुक्स। और मिरर पहुंच गया है अपनी जगह में और नाइट व्यू कुछ ऐसा है। सो एलईडी लाइट्स और फेरी लाइट्स तो जहाँ पर भी लगाएं वहाँ पे तो वो जगह के चार चांद लगा देती हैं, और यहाँ पे मैंने ये एलईडी लाइट्स यूज़ की हैं जो कि डिफरेंट कलर्स हो सकता है इनका। जब आप जिस टाइप का आपका मूड हो रहा है आप उस टाइप की लाइट्स लगाएं और चिल करें। सो दिस इज़ द नाइट व्यू ऑफ माई डाइनिंग एरिया एंड दिस इज़ विद द लाइट्स ऑन। डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।